नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी XT के बारे में। तो जल्दी से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं किस तरह का स्मार्टफोन ये वास्तव में है। और रियलमी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम प्राइस यानी कि बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छे अच्छे पीस लेके आ रहा है और वो अच्छे चलन में आ रहे हैं। शाओमी को टक्कर देने के लिए वास्तव में ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है रियलमी, जो कि शाओमी को बहुत अच्छी टक्कर दे रही है हाल ही में। तो हमारे पास है रियलमी XT, इसे कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स और देख लेते हैं किस तरह का स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है, क्या ये काबिले तारीफ है या नहीं। तो जल्दी से देखते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं रियलमी XT। जी हाँ बिल्कुल, आपके सामने रियलमी XT का कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर लिख के रखा है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड और यहाँ पर रियलमी का लोगो देखने को मिल जाता है। रियलमी XT यहाँ पर मेंशन किया गया है। 64 MP कॉर्ड कैमरा के साथ वॉक फ्लैश चार्जर 3.0 और ये इसका कुछ तरह का डिजाइन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी इमेज यहाँ पर देखे रखी है। तो इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको रियलमी XT लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर R यानी कि इनका लोगो है यहाँ पर रियलमी XT। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कैमरा और वेट और सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ द मैनुफैक्चरिंग की बात की जाए तो सेप्टेम्बर 2019 देखे रखा है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। और ये जो हमारा स्मार्टफोन है वो 6 GB रैम प्लस 64 GB रोम वाला है, जो कि यहाँ पर देख के रखा है आपको। मेड इन इंडिया का लोगो भी देखने को मिल जाता है और बाकी सारी डिटेल इसे बॉक्स को खोलने के बाद ही बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने पहले इसे अनबॉक्स कर लिया है और अब इसे सीधा ही आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह का स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जब भी इसे खोलते हैं तो यहाँ पर हमें एक रियलमी का पाउच देखने को मिल जाता है, जिसे अगर यहाँ से निकाला जाए तो इसमें हमें एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस हमें देखने को मिल चुका है। ये देखिए, इसे फ़िलहाल कर लेते हैं साइड में। और इसके साथ ही साथ हमें कुछ क्विक यूज़र गाइड देखने को मिल जाती हैं, जो कि फ़िलहाल हम कर लेंगे साइड में। और यहाँ पर रियलमी की जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन गाइड है वो भी इसमें हमें, वारंटी कार्ड वगैरह हैं जो भी सारे इसमें देखने को हमें मिल जाते हैं, तो इन्हें कर लेंगे साइड में। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे है हमारा स्मार्टफोन, जिसे फ़िलहाल के लिए हम साइड कर लेते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर। उससे पहले देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें और क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए केबल देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस तरह की है। यहाँ पर देखिए सी पोर्ट केबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि सी पोर्ट केबल हमें देखने को मिल जाती है इसमें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती है ये केबल, और ये चार्जिंग के लिए और डाटा सिंकिंग के लिए केबल काम आ जाएगी। और यहाँ पर वोक चार्जर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का देखने को हमें मिलेगा। और यहाँ पर रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट है 5 V 4 A। जी हाँ, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इन्हें फ़िलहाल के लिए हम कर लेते हैं साइड में और आते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर, जो कि है हमारा स्मार्टफोन, जिसे हम जल्दी से देख लेते हैं किस तरह का स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। ये देखिए ग्लॉसी सा डिज़ाइन है इसका, बहुत ही बढ़िया लुक के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरह का है। और पीछे की तरफ क्वाड कैमरा यानी 4 कैमराज देख रखे हैं, जो कि बहुत ही देखने में प्रीमियम सा लुक देते हैं, जो कि इस तरह का नज़र आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है कुछ इस तरह का स्मार्टफोन जो कि हमें देखने को मिला है। जल्दी से इसको बूटअप कर लेंगे और साथ ही साथ इसका फिजिकल ओवरव्यू कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ऊपर देखे रखा है सेल्फी कैमरा, यहाँ पर सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ऊपर की तरफ देखे रखा है स्पीकर, जिससे हम बात कर सकते हैं, अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात की जाए तो हमें यहाँ पर सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 3.5 mm हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक स्पीकर, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो स्क्रीन देख रखी है वो 6.4 इंच की ड्यू ड्रॉप, ये देखिए इनकी नज़ारा कुछ इस तरह का है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू ड्रॉप है, तो इसे ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। कोई वाटर
ड्रॉप बोलते हैं, तो ये डू ड्रॉप फुल स्क्रीन सुपर एमओएलईडी स्क्रीन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फिलहाल के लिए। 94.9% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 2340x180 पिक्सल्स रेजोल्यूशन एट द रेट ऑफ 402 पिक्सल्स पर यहाँ पर हमें सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, जो कि आपके व्यूइंग एंगल को अच्छा बनाते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जल्दी से देख लेते हैं इसके पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, और इस तरफ की बात की जाए तो हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है एक पावर की, और इस तरफ बात की जाए तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर्स और साथ ही साथ सिम ट्रे। तो जल्दी से इसे निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का हमें ट्रे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसे बाहर, और यहाँ पर हमेशा रखी रहती है इसमें रियलमी वालों की सिम इजेक्टर टूल, जिसे हम जल्दी से निकाल कर देख लेते हैं कि इसमें जो सिम कार्ड लगता है वो किस तरह का लगता है। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। ड्यूल सिम के साथ माइक्रो एसडी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो ड्यूल नैनो सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। सिम इजेक्टर टूल को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं वापस से और डाल देते हैं इसके अंदर। आते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। यहाँ पर जो पीछे की तरफ इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही प्रीमियम लगा, वास्तव में काबिल तारीफ़ देखने को मिल जाता है। क्या इसकी डिज़ाइन है और क्या इसके जो लुक आ रहे हैं वो बहुत ही प्रीमियम सा लुक दे रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो रियलमी लिख के रखा है, और इस तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे कॉर्ड कैमराज पीछे की तरफ, साथ ही साथ एक एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाती है। यदि हमारे कैमराज की बात की जाए तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, और प्राइमरी कैमरा के सेंसर की बात की जाए तो उसमें लगा हुआ है सैमसंग का GW1 कैमरा सेंसर। अगर उसके एपर्चर की बात की जाए तो f1.8 एपर्चर देखने को मिल जाता है, और कैमरा सेंसर की साइज़ की बात की जाए तो 1x1.72 सेंसर साइज है इसमें, जो कि मेरे हिसाब से स्मार्टफोन में अच्छा है फिलहाल के लिए। तो ये तो हुए मेन कैमरा की बात। यदि इसमें एक और लगा हुआ है सेकेंडरी कैमरा, जिसमें लगा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जो कि 119 डिग्री तक यहाँ पर एंगल को कवर कर लेता है। उसके एपर्चर की बात की जाए तो उसमें है एपर्चर 2.25 एपर्चर, जी हाँ f2.25, और साथ ही साथ इसमें दो और कैमराज देके रखे हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, जिसमें एक डेप्थ सेंसर है जो कि पोर्ट्रेट इफेक्ट में काम आता है, और एक है मैक्रो लेंस जिसमें आप एक क्लोज किसी का ले सकते हैं, क्लोज से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हुई है कॉर्ड कैमरा की बात। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, कॉम स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें हमें 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमने इसे मंगवाया है 6GB रैम ऑप्शन वाला, इसलिए 6GB रैम देखने को मिल जाती है। जल्दी से इसे कर लेते हैं बूटअप और ले चलते हैं आपको सीधा होम पेज पर। तो ये है कुछ इसका होम स्क्रीन, जिसे हम स्वाइप अप करके अनलॉक कर सकते हैं। ये है मेन इसकी स्क्रीन, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़र आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ड्यू ड्रॉप स्क्रीन इसे बोलते हैं, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको टच सेंसिटिव बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह के देखने को मिल चुके हैं। ऊपर की तरफ जल्दी से चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन बार देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का। जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स की बात की जाए तो हम चलते हैं इसके अबाउट फ़ोन में, और डिवाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme XT यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ब्राइटनेस को मैंने सेटअप कर दिया है, डिवाइस नेम Realme XT है। मॉडल नेम की बात की जाए तो RMX1921 है। कलर OS वर्जन 6.0.1 पर ये फिलहाल रन कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड पी पर रन करता है, एंड्रॉयड वर्जन 9 पर। प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर यह रन कर रहा है फिलहाल। रैम की बात की जाए तो 6GB की रैम देखने को मिल जाती है। डिवाइस स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर 64GB में से हमें 42GB के आसपास देखने को मिल जाती हैं। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। हम जल्दी से इसे कर लेते हैं सेटअप, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को और साथ ही साथ फेस अनलॉक को, क्योंकि इसमें
इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखा है, रखा है ऑन स्क्रीन। स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेंगे किस तरह का हमें देखने को मिल जाता है, उसे भी जल्दी से कर लेते हैं सेटअप। और इसे सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें सेटिंग्स में चलना होगा। सेटिंग्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले फिंगरप्रिंट में जाना होगा, ऐड फिंगर करना होगा। पासवर्ड लगाएंगे हम जल्दी से, यूज़ 123456 हमने यूज़ कर लिया है फिलहाल, ये हो चुका है। अब ये कह रहा है कि आप अपना फिंगर यहाँ पर रख दी, यहाँ पर ये हमारा फिंगर को रीड कर रहा है। यहाँ पर आपको 5, 7, 10, 12 बार एक बार रखना पड़ेगा जब तक ये अपने फिंगरप्रिंट को सेटअप ना कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा यहाँ की ये चीज़ ऊपर की तरफ से, ताकि ये सारी चीज़ों को कैप्चर कर पाए और पूरी तरीके से इसमें सेट कर ले। तो ये हो चुका है कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस अनलॉक भी हमें सेट करना है, इसलिए हम फेस को भी सेट कर लेते हैं। ये हमारा फेस भी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह का सेटअप कर लिया है। डायरेक्टली विथ योर फेस में करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें स्वाइप अप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं इसे लॉक कर रहा हूँ और अपने फेस के सामने रखते हुए पावर की को दबाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह सा खुला है, फिर से मैं की दबा रहा हूँ, ओपन ओपन क्लोज टच ओपन। थोड़ा सा स्लाइटली इसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि मेरे पास पोको F1 है, उसे स्मार्टफोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ही फास्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल हम लॉक करते हैं और यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट दे लगाने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरह का वर्क कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पर जैसे ही हम लगाते हैं अनलॉक हो जाता है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है इसका इन बिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये तो हमने इसकी देख ली सारी जानकारी। अब जल्दी से चलते हैं इसके कैमरा के अंदर, जो कि कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शंस की भरमार देखने को मिल जाएगी, जिसमें मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़ोटो में 1x है, यहाँ पर यदि हम करें तो 2x भी हो जाएगा और 5x तक ये जूम कर लेगा। फिलहाल HDR ऑन कर सकते हैं, बाकी सारे फिल्टर्स कुछ नए नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको 64 अल्ट्रा 64 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर इनेबल होने पर यहाँ पर मेंशन किया जाएगा अल्ट्रा 64 कैमरा का ऑप्शन। तो ये कुछ इस तरह का नज़र हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमें वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं, फ़ोटोज़, पोर्ट्रेट, नीचे की तरफ ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। और यदि हम वीडियो की बात करें, तो वीडियो में हमें यहाँ पर 1080p का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 720p पर भी शूट कर सकते हैं, और चाहे तो आप 1080p पर भी शूट कर सकते हैं, और चाहे तो 4K में भी शूट कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन इसमें देखने को हमें मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 4K में आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही शूट कर पाएंगे, और 720p और 1080p पर आप चाहें तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड और चाहें तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी फिल्टर्स देके रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसमें लागू करके अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। सेटिंग्स में भी आपको जाने का ऑप्शन देके रखा है, जिसमें आप चाहें तो अपनी फ्रेम रेट्स और थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, जो कि इस तरह का नज़र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्लो मोशन भी शूट कर सकता है, जो कि 960fps पर शूट कर सकता है ये। इसमें इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट और रियर दोनों में काम करता है। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि सेल्फी कैमरा जो है, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का लुक देता है हमें। यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, एक पोर्ट्रेट में क्लिक कर लेते हैं, तो ये नज़ारा हमें इसमें देखने को मिलता है। ये है पोर्ट्रेट इफ़ेक्ट का, यहाँ पर देखिए किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। इसने हमारे थोड़ा सा एरिया यहाँ पर ब्लर कर दिया है, आप देख सकते हैं हमारे बाल थे, इन्होंने ऑटोमेटिक काट दिए हैं। ये कुछ एरिया यहाँ पर हमें, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तो ये तो पोर्ट्रेट में हमें देखने को मिला है। ये है नॉर्मल सा फ़ोटो, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बाल थे, जो कि पोर्ट्रेट में इन्होंने अपने हिसाब से सेटअप कर लिए। बाकी नो डाउट अच्छा कैमरा है, कोई इशू नहीं है इसमें।
और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कैमराज के लिए, रियलमी XT के लिए स्पेशल सा, जो आप देखकर इसके कैमरा के बारे में और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो ये तो हो चुकी इसके कैमरा की बात। यहाँ पर इनबिल्ट कुछ हमें एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह की होगी, और कुछ ऐप्स जो कि आपको इस तरह का देखने को मिल जाती हैं। और इसके डायलर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें डायलर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये है इसका ओवरऑल लुक जो कि कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4000 mAh की जो बैटरी इसमें हमें देखने को मिलती हैं, उसमें वॉक चार्जर हमें देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5V 4A का। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 वायरलेस टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ इसमें जो सेंसर्स मिलते हैं वो बहुत सारे सेंसर्स में मिल जाते हैं, जिसमें GPS है, साथ ही साथ लाइट सेंसर है, मैग्नेटिक, जायरोस्कोप, एक्सीलरेशन, पेडोमीटर, जी सेंसर एंड इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली है। बाकी इसमें सी पोर्ट देख के रखा है, जिससे आप चाहें तो स्मार्टफोन को डाटा और चार्ज भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल सी का ज़माना है टाइप सी का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूल सिम के साथ साथ इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कलर OS 6 पर ये फिलहाल रन कर रहा है, जो कि रियलमी की तरफ से कस्टमाइज़ किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें दो कलर वेरिएंट ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हमने जो मंगवाया है वो है पर्ल ब्लू और एक पर्ल वाइट भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें तीन स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 GB RAM प्लस 64 GB ROM भी देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही साथ आपको 6 GB RAM प्लस 64 GB ROM भी देखने को मिल जाती हैं। और एक आपको इसमें देखने को मिलता है हायर वेरियंट, जिसकी 8 GB RAM और 128 GB ROM देखने को मिल जाती है। इसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 15,999, 16,999 और साथ ही साथ 18,999 कुछ इस तरह का आपको पैकेज देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से आप लेना चाहें स्मार्टफोन, उस हिसाब से पैसे खर्च करके ले सकते हैं। जाते जाते वक्त मैं आपको ये जो कवर आया है उसे भी यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ कि इसकी फिटिंग किस तरह की देखने को मिलती है। और ये कुछ इस तरह का नज़र हमें देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जब भी ये चढ़वा देते हैं इस सिलिकॉन कवर को, तो स्क्रीन ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा, तो कैमरा के ऊपर यहाँ पर इसकी आ जाती है ग्रिप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर टेबल पर रखेंगे तो भी ये कैमराज यहाँ पर नीचे टेबल के टच नहीं होंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये जो सिलिकॉन केस है, चारों तरफ से इसे कवर कर रहा है स्क्रीन को, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जब भी आप उल्टा फ़ोन भी रखेंगे तो भी ये स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच नहीं लगेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कवर इन्होंने सेटअप किया है। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आपको देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक दबाकर हमारा आप उत्साह बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तुरंत ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे जो फ्यूचर में नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो आप तक पहुँच पाए सबसे पहले। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।